सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो एडिटिंग नवरात्रि स्पेशल है, जो अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को अभी आज तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। एलाइट मोशन ओपन होने के बाद आपको प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करना है, और गाइस आपने जो मेरे टेलीग्राम चैनल से XML फाइल इंपोर्ट किया होगा वो आपको ऊपर ही मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस, आपके पास XML कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। तो अब दोस्तों, आपको इस वाले लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको एडिट ग्रुप पे आ जाना है, उसके बाद गाइस आपको एक लेयर पे क्लिक करना है और आपको एडिट टेक्स्ट पे चले जाना है। उसके बाद ऊपर मैंने एक फॉन्ट जो इसमें है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद सेकेंड वाले पे क्लिक करके उसका भी फॉन्ट जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। ये दोनों फॉन्ट आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके लाइट मोशन में ऐड कर लीजिएगा। कुछ इतना कर लेने के बाद आपको 0.12 सेकेंड पे आ जाना है, उसके बाद आपको प्लस वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, उसके बाद मीडिया पे जाना है। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे माता रानी का फोटो भी दे रखा है, तो उसमें से आपको एक सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है। फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, और जहाँ तक बीट मार्क है वहाँ तक इस फोटो को ले जाना है। सभी फ़ोटो को ऐड करने के बाद आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ले आना है। तो गाइस, आपको ऐसे ही सभी फ़ोटो को नीचे ले आना है। कुछ इतना करने के बाद आपको 0.12 सेकेंड पे आ जाना है, उसके बाद प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे चले जाना है, और जो मैंने 2 सेकंड का वीडियो क्लिप दिया है उसको ऐड कर लेना है। वीडियो ऐड होने के बाद आपको अगले बीट मार्क पे चले जाना है, और वहाँ पे जाके घड़ी वाले पे क्लिक करके और वीडियो को टाइमलाइन बढ़ा देना है। उसके बाद आपको उसी लेयर पे क्लिक करना है और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे चले जाना है, उसके बाद लाइटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रीन सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद आपको उस लेयर पे फिर से क्लिक करना है, उसके बाद साइड में प्लस पे क्लिक करके आपको कॉपी लेयर कर लेना है। अब अगले बीट मार्क से आपने जो लेयर कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है, फिर आपको अगले बीट मार्क तक लेके जाना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट बच गया उसको टाइमलाइन में जाके कट कर देना है, फिर उस बीट मार्क पे जा करके उस वीडियो को फिर से पेस्ट कर देना है। तो गाइस, आपको सेम ऐसे ही अगले बीट मार्क तक जाके पूरा वीडियो क्लिप को पेस्ट कर करके लगा देना है। तो गाइज, आप देख सकते हो मेरी वीडियो पूरी तरीके से बन चुकी है, बस इसमें कलर लगाना बाकी है। तो आपको सिंपल सा बैक कर लेना है। गाइज, मैंने आपको कलर नाम से एक XML फाइल दिया है, उस पर क्लिक करना है। उसमें 3 लेयर है, आपको तीनों को सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक करके कॉपी लेयर कर लेना है। उसके बाद बैक आ जाइए और बैक आने के बाद फिर अपने बीट मार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे 0.12 सेकंड पे जा कर के आपको इस तीनों लेयर को पेस्ट कर देना है। तो गाइस फाइनली हमारा वीडियो बनके तैयार हो गया है। अब आपको ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अपना रेजोल्यूशन सिलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।